जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के मलिक चौक के ठीक बिल्कुल सामने पैलेस के बाहर, मिलेनियम पैलेस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी आज एक दौरा कर रहे हैं। और देख सकते हैं ठीक सामने से बैनर के साथ जन सरोकार दिवस आज मनाया जा रहा है और हरियाणा के हित में दुष्यंत चौटाला का आगाज, जन सरोकार दिवस आज हिसार में 5 दिसंबर की तारीख को मनाया जा रहा है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता, अगर दूर दराज के इलाकों से बात करता हूँ हरियाणा के, जनाब किसी भी कॉर्नर की बात कर लीजिए वहीं से दूर दराज के इलाकों से आज काफ़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता और जितने भी नेता जेजेपी के और बीजेपी के खासतौर बात करें, सभी के सभी आज एकजुट होकर यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है। कुछ ही समय के बाद दुष्यंत चौटाला जी की यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और फिलहाल देख सकते हैं पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए, भारी पुलिस बल और पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन अपना कार्य बखूबी तौर से ड्यूटी निभाता हुआ हर एक जवान, जनाब चाहे वो किसी भी रैंक का हो, सभी के सभी जवान अपना कार्य है। और ये देख सकते हैं एंट्री पर भी सुरक्षा के लिहाज से महिला टुकड़ी भी समय बुलाई गई है और जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं शेयर करते जाएं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, पार्टी के हित के कार्य जो किए हैं और आने वाले समय में जो कार्य करेंगे उनके बारे में बताएंगे। और जन सरोकार दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है, काफ़ी भारी संख्या में एक बार कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए किया जा रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और ज़्यादा ज़्यादा काम करने की योजनाएं बनाना। हाँ जी। तो सर कहीं ना कहीं अगर बात करें फिलहाल जितने भी बीजेपी और जेजेपी के सभी नेता धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं, उससे पहले कार्यकर्ता पार्टी के जितने भी लोग आना इकट्ठा हो चुके हैं, तो कितने लोगों की संभावना है? ज़्यादा भीड़ है, कम से कम 20-30 हज़ार आदमी आ जाएंगे। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कार्यक्रम के बारे क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम ये 9 तारीख को होने वाली रैली के पहुंचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने के लिए, और लोगों में बहुत भारी उत्साह है और सारे हिसार के आदमपुर वगैरह हल्कों ब्लॉकों के आदमपुर बरवाड़ा फतेहबाद भट्टू सभी हांसी वगैरह सभी अभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में इनके साथ और काफ़ी लोग नए जो जुड़ने के लिए आ रहे हैं। अगर मुख्य अतिथि की बात करें तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो क्या संबोधित करेंगे जितने भी कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है और जितने भी आम जन भी आएंगे खासतौर पर? हाँ जी बिल्कुल जी, संबोधित करेंगे। और कितने लोगों की संख्या आने की? कम से कम 20-25 हज़ार आज के दिन। हाँ आज के दिन, अभी भी काफ़ी आप देख रहे हो काफ़ी बहुत तो पहुँच चुके हैं और आने लग रहे हैं। इस समय देख सकते हैं फिलहाल हिसार के एक बार इमाम साहब दिखा दे एक बार, मिलेनियम पैलेस के अंदर इस समय देख सकते हैं दूर दराज के इलाकों जितने कार्यकर्ता हैं, खास तौर पर अगर बीजेपी पार्टी से रिलेटेड जुड़े हुए जितने भी हैं और सबसे बड़ी बात कहें और जेजेपी पार्टी के जितने समर्थन है, चाहे वो बीजेपी पार्टी के हिसाब से लगा लीजिए या जेजेपी के हिसाब से, सभी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट हो चुके अंदर और कम से कम 25-30 हज़ार लोगों की शंका जताई जा रही है आने की। और आने वाले समय में अगर खासतौर बात करें जो पार्टी की तरफ से सरकार की तरफ से आगे की कार्य प्रणाली होगी उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों को भी बताया जाएगा कि आगे आने वाले समय में किन किन कार्यों पर जोर दिया जाएगा और जो अब तक कार्य किए गए उनके बारे में भी बताया जाएगा, जितने भी लोग देखते जा रहे हैं शेयर करते जाएँ। और फिलहाल खास तौर पर आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं। फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं एक बार जो इस कार्यक्रम के अंदर आए हैं और आज के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिनकी आधे घंटे के बाद हो सकते हैं आने की संभावना, और फिलहाल इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे? पहले तो बताओ। बहुत बढ़िया सर। सर जो आज का कार्यक्रम था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है जी, आज कार्यकर्ता मीटिंग है, 9 तारीख को झज्जर में रैली है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और जिसके अध्यक्षता हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी करेंगे। तो सर एक बताइए जो पार्टी के कार्य किए हैं अब तक और आने वाले समय में करेंगे उनके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे दुष्यंत जी आज? हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे जी, कार्यकर्ताओं को पूरी डिटेल में बताएंगे जी, पार्टी लोगों की भलाई के लिए क्या काम कर रही है, आने वाले समय में क्या काम करेगी। तो कितने लोगों की संभावना, अगर बात करूँ हिसार के मिलेनियम पैलेस के अंदर कितने लोगों की संभावना आने की? यहाँ लगभग 1000 जो मेन कार्यकर्ता है, 1000-2000 के आसपास कार्यकर्ता पहुँचेंगे। तो फिलहाल इस समय देख सकते हैं मिलेनियम पैलेस के अंदर मौजूद है हिसार के मलिक चौक ठीक MLA निवास के बिल्कुल पास में पड़ते हैं और अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार, जितने भी लोग हैं शेयर करते जाएं और पार्टी के जो कार्य किए गए हैं और आने वाले समय में जो किए जाएंगे और जो झज्जर में एक भव्य रैली निकाली जाएगी उसके चलते हुए आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
और इसमें मुख्य अतिथि और मुख्य अतिथि की बात करें, इसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। जितने भी लोग देखते जा रहे हैं, शेयर करते जाएं, और जितने भी बीजेपी पार्टी और जेजेपी पार्टी के सपोर्टर हैं खासतौर पर, आज इनके लिए कई कार्यक्रम किया गया। फिलहाल थोड़ा क्या जाए एक बार जितने भी लोग देखते जा रहे, शेयर करते जाए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें, देख सकते हैं। सभी मेरे जितने भी जेजेपी पार्टी और खासतौर बात करें जेजेपी और बीजेपी के जितने भी नेता हैं, खासतौर धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं, और आने वाले समय में कुछ ही समय बाद दुष्यंत चौटाला जी की यहाँ पर एंट्री हो सकती है किसी भी समय, और देख सकते हैं सभी के सभी बीजेपी से और जेजेपी से जुड़े हुए लोग इस समय इस कार्यक्रम में पहुँचते जा रहे हैं धीरे धीरे कर, और काफ़ी भीड़ की बात करें जनता की तो ठीक सामने देख सकते हैं इस समय 25,000 से 30,000 लोगों की आशंका जताई जा रही है। ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतने लोग इस समय यहाँ पर आ सकते हैं। एक बार इस साइड आ जाए पहले एक बार दो मिनट, और स्टेज की तरफ दिखा दें एक बार, जितने भी लोग इस समय देखते जा रहे हैं, शेयर करते जाएं, कमेंट करते जाएं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपका क्या मतलब। भारी संख्या में फिलहाल ठीक सामने बात करो, भारी संख्या में धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने और जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल कुछ कार्यकर्ता मौजूद है पार्टी के जो सपोर्टर है खासतौर पर, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है दुष्यंत जी के जो कार्य रणनीति अब तक रही है, और आने वाले समय में किन किन मुद्दों पर खासतौर पर बात करूँ तो किन किन मुद्दों पर वो बताएंगे। जितने भी कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए, चाहे वो जेजेपी के हो या फिर बीजेपी के। और ठीक सामने देख सकते हैं महिला सपोर्टर्स भी काफ़ी संख्या में आई है इस समय, और ठीक सामने इस समय देख सकते हैं हिसार के मिलेनियम पैलेस के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिलहाल जितने भी देख सकते हैं संबोधन करते हुए समय काफ़ी लोग, तो काफ़ी सपोर्टर्स की अगर बात करूँ खासतौर सपोर्टर्स भी काफ़ी संख्या में समय आए हुए हैं। फिलहाल सबसे वार्तालाप कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनको कैसा लगा है। और मासू भाई एक एक करके आते जाए धीरे धीरे करते करते। नमस्कार जी, धन्यवाद उससे। नमस्कार नमस्कार। जो आज का कार्यक्रम, अच्छा मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, मुख्य उद्देश्य क्या है आज का जो कार्यक्रम रखा गया है? 9 तारीख को जो झज्जर में रैली है आज, उसका बुलावा देने के लिए हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हिसार वासियों के बीच में आ रहे हैं। तो सर कितने लोगों की संभावना आने की यहाँ पर अगर बात करूँ तो? आज 5 से 6 हज़ार वैसे आते हैं, लेकिन अभी थोड़े कम आए हैं तो आ जाएंगे। 5 से 6 हज़ार आदमी मानता हूँ मैं यहाँ आने की संभावना है। तो जन को क्या संदेश देना, जनता जनार्दन को आपकी तरफ से अगर बात करूँ तो? यही 9 तारीख को तीसरा स्थापना दिवस है, तो यही जो दुष्यंत चौटाला जी ने जो कार्य किए हैं इनको आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, उनको समाज तक कैसे पहुँचाना, भी ये कार्य के इसीलिए ये जो कार्यक्रम ये किया गया। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे? कार्यक्रम के बारे में सर, हमारे हरियाणा के जो डिप्टी सीएम चौधरी दुष्यंत चौटाला जी 9 दिसंबर को होने वाली झज्जर के अंदर रैली का न्योता देने के लिए आ रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, तो हम यही कहना चाहते हैं जो भी हमारे इशार से जो भी साथी दुष्यंत चौटाला जी की कार्यशैली से संतुष्ट है और उनकी हर कार्य को देख रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि सभी लोग इस होने वाली रैली के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें। तो फिलहाल हमारे अमित ग्रोवर जी मौजूद है, इस कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं उनकी भी क्या प्रतिक्रिया, किस लिए का कार्यक्रम किया गया। जनाब नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो बताइए आज का कार्यक्रम किस लिए किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए 9 दिसंबर को हमारा तीसरा स्थापना दिवस है जननायक जनता पार्टी का, और माननीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में पूरा हरियाणा विकास के पथ पर है और लगातार जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, और स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी है। उसको लेकर के हिसार जिले की कार्यकर्ताओं की आज बैठक है और सबके दिशा निर्देश दिए जाएंगे, सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी, और जो माननीय दुष्यंत चौटाला जी हमें दिशा निर्देश देकर जाएंगे उनके अनुसार हम हज़ारों की संख्या में हिसार हलके से और पूरे हिसार जिले से भी बड़ी तादाद के अंदर झज्जर पहुँचेंगे। सर एक बात है, ये जो कार्य पार्टी की तरफ से किए गए अब तक और आने वाले समय में किए जाएंगे उनके बारे में भी क्या संबोधित करेंगे जितने भी कार्यकर्ता आए हैं दुष्यंत जी की तरफ से? देखिए बिल्कुल, जो भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं लिखी थी उनको पूरा करने का काम वो कर रहे हैं, चाहे वो 75% आरक्षण की बात हो, जो हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, उसके अलावा सभी जगह जितने भी विकास कर रहे हैं उनकी योजनाओं के बारे में बताएंगे, जो काम हुए और जो आगामी योजनाएं हैं उसके बारे में दुष्यंत चौटाला जी आज हमें संबोधित करेंगे। मैं बात करता हूँ जिस प्रकार से डॉक्टरों ने देखा था कि तीसरी लहर के बारे में भी, वो प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जा रहा है या नहीं? देखिए तीसरी लहर के लिए कल भी हमारी मीटिंग थी और आने वाले समय में इसकी आशंका को देखते हुए जल्दी जो नियम है वो लागू किए जाएंगे, उनको उनका पालन कराने के लिए भी जो प्रशासन है वो पूरे दिशा निर्देश जो रखेगा उसको करने का काम करेंगे। भाई इस समय हिसार के मिलेनियम पैलेस के अंदर फिलहाल मौजूद है, जहाँ पर भारी संख्या में जेजेपी और
बीजेपी के कार्यकर्ता खासतौर बात करूँ काफ़ी भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर आए हैं इस समय हिसार के अंदर आने वाली रैली के अंदर, खासतौर बात करूँ जो झज्जर में रैली की जाएगी उस रैली के बारे में भी बताया जाएगा। और अब तक पार्टी की तरफ से जो जो कार्य किए गए हैं और आने वाले समय में आगामी समय की अगर बात करें जो कार्य किए जाने हैं उनके बारे में कार्यकर्ता को बताएंगे, जागरूक करेंगे। आज का मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का यही है। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर बताएं। तो फिलहाल अभी जिस प्रकार आप देख सकते हैं सुनील रावत जी भी थे, रवि जी मौजूद है, समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़ चढ़ अपना सहयोग रखते हैं। रवि जी नमस्कार। नमस्कार जी। रवि जी एक बात बताइए, अगर फिलहाल बात करता हूँ आज दुष्यंत जी की तरफ जो कार्यक्रम रखा गया है फिलहाल और जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, आने वाले समय में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी और क्या कार्य के प्रति बताएंगे आज दुष्यंत जी? देखिए आज से 3 साल पहले जींद की पावन धरा पांडु पिंडारा के मैदान से एक विशाल जनसमूह, विशाल रैली जिन्होंने जननायक जनता पार्टी की नींव रखी और उसी कड़ी के अंदर 10 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 सीटें जिता करके हरियाणा प्रदेश के होनहार युवा को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और निरंतर ये काफिला बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं आज हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम जिलों के अंदर हमारी 9 दिसंबर की जनसुनवाई रैली को लेकर के मीटिंगों का जो आयोजन था वो रैलियों में तब्दील होता जा रहा है और आने वाली 9 तारीख को जो एक विशाल जनसमूह, जो एक विशाल मीटिंग हमारी झज्जर के अंदर आयोजित हो रही है वो आने वाले 2024 के अंदर एक नई दिशा देने का काम करेगी और निश्चित रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम के आगे से उप हटा करके मुख्यमंत्री बदलने का काम करेगी और पार्टी इन्हीं तमाम अपने विचारों और नीतियों के साथ तमाम हरियाणा प्रदेश के नौजवान, युवाओं को, बुजुर्गों को, मातृशक्ति को आगे लेकर के अपने विचारों के साथ जोड़ने का काम कर रही है।